करीब एक साल बाद पीर को वादी कश्मीर के साथ साथ खिता चिनाब में भी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ। कोविड SOPs खुसूसन सामाजिक दूरी का लिहाज रखते हुए पीर को वादी कश्मीर समेत खिता चिनाब में भी 9वीं से लेकर 12वीं जमात के तलबा व तलबात ने स्कूलों का रुख किया। लंबे अरसे के बाद स्कूल लौटे तलबा ने इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए वैली ऑनलाइन को बताया, लंबे अरसे के बाद स्कूल आकर अपने दोस्तों और उसातिज़ा से रूबरू मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता बरस मार्च के महीने में आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव के सबब दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी स्कूलों को दरसो तदरीस के लिए बंद कर दिया गया था। तहम इससे कबल भी दफा 370 की मनसूखी के बाद भी यहाँ स्कूलों और कॉलेजों में कई माह तक तदरीसी अमल मुनक़ता रहा था। जम्मू कश्मीर के मैदानी समेत पहाड़ी इलाकों में भी तलबा और तलबात ने पीर को स्कूलों का रुख किया। तलबा ने वैली ऑनलाइन को बताया कि अगरचे लॉकडाउन के दौरान अक्सर तालीमी इदारों ने ऑनलाइन दरसो तदरीसी का सिलसिला जारी रखा, ताहम कश्मीर में तेज रफ्तार इंटरनेट पर आयद पाबंदी के बायस ऑनलाइन पढ़ाई भी मुतासर रही। काबिल जिक्र है कि इंतजामिया ने करीब एक बरस के बाद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने की खातिर यकुम मार्च से 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल किए जाने के अहकाम सादर किए थे, जबकि 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए 8 मार्च से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं। इससे कबल माह फरवरी की 15 तारीख से सुबह जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेज में भी तालीमी और तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं वैली ऑनलाइन की यह खुसूसी रिपोर्ट। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल बहुत टाइम के बाद खुले हैं, क्योंकि हमें पढ़ने का अच्छी तरह से मौका मिलेगा अपनी क्लास में। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा रहेगा, फेवरेबल रहेगा। जो पैंडमिक कोरोना था उस टाइम से हमारी पढ़ाई सही नहीं चल रही थी, क्योंकि जो वहाँ पर हमारा नेट भी था वो 2G के तरह चल रहा था, तो हमारी पढ़ाई सही से नहीं हो रही थी। तो अब हमारी पढ़ाई सही से होगी और हम बहुत खुश हैं। Today on 1st March, I am very happy, sir, because I entered the school once again after a long time. Sir, मैं आके काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ का atmosphere जो के है काफी favorable है, और मतलब हम सब बहुत ही excited हैं वापस अपनी जो studies है उनको classroom के atmosphere में फिर से start करने के लिए। और मतलब आज हम लोग school में हैं और यहाँ पे सारे SOPs भी हम follow कर रहे हैं और काफी मजा भी आ रहा है।